अगर इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो चलिए हम अपना सफर शुरू करते हैं। आज हम खजियार से चंबा की ओर निकले हैं और अब चंबा हम पहुंच चुके हैं और ये सामने आप चंबा देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं चंबा शहर की ओर। रावी नदी के किनारे स्थित है चंबा। हिमाचल के सबसे पुराने शहरों में से एक चंबा जिला है। इस शहर की स्थापना 926 में राजा मेरुवर्मन ने की थी। ये आप सामने देख रहे हैं चंबा का चौगान। ये ऐतिहासिक मिंजर मेले के लिए फेमस है और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट इस मैदान में होते हैं। इस मैदान के सामने आप देख सकते हैं राजाओं का महल और ये है रावी नदी। चंबा को अलविदा कहने का समय अब आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे साच पास होते हुए किलाड़ पहुंचने के लिए। इस ऐतिहासिक शहर चंबा और रावी नदी के साथ साथ चलने का मजा ही कुछ और था। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया एक दिन का स्टे इस शहर में जरूर करें। ये रूट एडवेंचरर्स और ट्रेकर्स को बहुत भाता है और बहुत सारे बाइकर्स इस रूट पे आते हैं। वर्ल्ड के टफेस्ट रोड्स में इस रूट का नाम शुमार है। जन्नत का रास्ता आसान नहीं होता और पूरी तैयारी के साथ ही ऐसे इन जगहों पे आप जाएं। और क्योंकि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड जगहों पे आप जाएंगे तो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना ना भूलें। ये आप देख सकते हैं हम तीसा एंटर हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और इस सफर का हमें बहुत मजा आ रहा था। तभी हमारी नजर रोड साइड पे चलते एक बुजुर्ग पे पड़ी। उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। आइए उन्हीं से सुनते हैं उन्होंने अपनी उम्र कितनी बताई। 98 साल। इनकी आंखें ही बता रही थी, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन थोड़ी ही देर में ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे और हमारी गाड़ी से उतर गए। हमें अब 3 घंटे के करीब हो गए थे सफर करते करते और हम तीसा के बहुत नजदीक आ गए थे। और ये सामने आप देख सकते हैं तीसा।
अब हम रुक कर रहे हैं बैरागढ़ का और कुछ ही देर में हम बैरागढ़ पहुंच जाएंगे। काफी देर से लगातार हम ऊंचाइयों में सफर कर रहे थे। बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ और दूर दराज फैले हुए गांव इस जगह की सुंदरता को और ज्यादा निखार रहे थे। और कुछ ही देर में हमारी एंट्री होने वाली थी पांगी वैली में। ऐसी जगहों पे जब आप आए तो ये कोशिश करें कि अपने बॉडी को ग्लूकोज टाइमली देते रहें और बीच में कुछ ना कुछ खाते पीते रहें। और गाड़ी में बैठ बैठ के और लंबा सफर करके हमारी बॉडी भी अकड़ गई थी, हम काफी थक चुके थे, तो हमने मन बनाया बीच में खाना खाने के लिए एक जगह रुकने का। शर्मा जी के पास खाने की बहुत सारी वेराइटीज थी, लेकिन क्योंकि हमें मालूम था कि पांगी इलाका फेमस है अपने राजमा चावल के लिए, तो हमने भी राजमा चावल खाने का ही सोचा। हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि दोपहर के बाद साच पास में मौसम खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम निकल पड़े साच पास की ओर। हाल ही में हिमाचल की एंट्री बाहर के पर्यटकों के लिए खोली गई और भारी मात्रा में पर्यटक चंबा और पांगी घूमने आए हुए थे। पहले इस रोड का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के पास था, लेकिन अब बीआरओ के आने के बाद इस रोड के हालात बहुत ज्यादा सुधर रहे हैं। जगह जगह आप जेसीबी देख सकते हैं। ये साथ में आप भोजपत्र के पेड़ देख सकते हैं। पुराने जमाने में इन पत्तों पर लिखा जाता था।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जगह बहुत पसंद आ रही होगी और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। कृपया हमारे YouTube चैनल Countryside Travels को सब्सक्राइब जरूर करें। पहाड़ों पे सड़कों का काम होता हुआ देखना एक आम बात है और इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम भी लग जाता है और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना टाइम प्लान करके चलें। हमारा सफ़र जारी था और कुछ ही देर बाद हम और ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे और हमें ग्लेशियर और बर्फ के पैचेस देखने को मिल रहे थे और ये था पहला व्यू साच पास का। साच पास और पांगी आने का सबसे बेहतरीन समय जुलाई से लेकर सितंबर तक का है और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और साच पास हमेशा बंद रहता है। यहाँ के दुर्गम इलाकों में ज़िंदगी व्यतीत करना बहुत कठिन है। सितंबर अक्टूबर में बर्फबारी के बाद ये पूरा इलाका कट ऑफ हो जाता है बाकी देश के साथ और यहाँ के लोकल लोग पहले से अपना इंतज़ाम करते हैं सर्दियों का। इन ऊंचाइयों पे तबीयत खराब होना और सर दर्द होना एक आम बात है। टाइम टाइम पे आप पानी पीते रहें। ऐसे सफर में ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है और थोड़े से फन के लिए हमने भी कोशिश की गाड़ी चलाने की, लेकिन एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही होता है और अगर आपने ऐसी जगह में पहले गाड़ी ना चलाई हो तो अवॉइड ही करें। तीन डायरेक्शन से आप साच पास पहुंच सकते हैं, एक पठानकोट डलहौजी रोड, एक मनाली उदयपुर रोड और तीसरा उधमपुर अनंतनाग किश्तवाड़ रोड। Thank you.
कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे मौसम की। ये देखिए, मौसम ने अपना रुख बदल दिया है और अब किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है। कुछ ही देर में हम किलाड़ पहुंचने वाले हैं। किलाड़ एक हब है ट्रैकर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, एडवेंचरर्स के लिए। यहाँ से लोग जांस्कर वैली निकल सकते हैं उपासी ला होते हुए, मनाली जा सकते हैं लाहौल स्पीति होते हुए, और जम्मू कश्मीर जा सकते हैं किश्तवाड़ होते हुए। ये सभी जगहें एडवेंचरर्स हब कही जाती हैं और यहाँ पे ट्रैकिंग की बहुत सारी रेंजेस हैं। कुछ ही देर में एक टी पॉइंट आएगा और अगर आपको मनाली की ओर निकलना है, लाहौल स्पीति की ओर निकलना है, तो आप सीधा ट्रैवल करेंगे। और क्योंकि हमें किलाड़ की ओर जाना है तो हम एक यू टर्न लेंगे। हमने पहले भी बताया था कि इस सड़क का रख रखाव का जिम्मा बीआरओ के पास है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस सड़क पे बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सी जगहें हैं जहां पे रोड मेटल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं किलाड़ की पहली झलक। किलाड़ में पांगी सब डिवीजन का हेडक्वार्टर है। कुदरत की दी नायाब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे देखने लायक, और वो है यहाँ के ब्रिजेस। ब्रिज काफ़ी लंबा है और आपको काफ़ी पर्यटक मिलेंगे यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हुए।
ये ब्रिज चेनाब नदी पे बना है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे हेजलनट के पेड़ भी मिलेंगे। हेजलनट को लोकली थांगी कहा जाता है और ये ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी होती है। चंबा के अलावा किन्नौर में भी थांगी पाए जाते हैं। इन रोड्स पे आपकी गाड़ी की स्पीड 40 और 50 के बीच में ही रहनी चाहिए और कुछ पॉइंट्स पे तो सड़क इतनी तंग है कि एक गाड़ी भी बहुत मुश्किल से गुजरती है। हम भी 65 से मध्य गति में आए हैं और 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है हमें सफर में और कुछ ही देर में हम किलाड़ पहुंचने वाले हैं। हमने किलाड़ में रहने के लिए एक PWD रेस्ट हाउस बुक कराया था। और ये है वो रेस्ट हाउस। अब हम पूरी तरह से पांगी वैली में एंटर हो चुके हैं। मुख्य तौर पे पांगी वैली को 3 वैलीज में डिवाइड किया जा सकता है, साइचू, सुराल भटोरी और हुदान भटोरी। इस वक्त हम किलाड़ के मेन मार्केट में हैं और ये चौराहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बसें खड़ी हैं आगे के सफ़र के लिए और ये सामने आप किलाड़ का मेन बाज़ार देख सकते हैं। अब आगे हमें और भी ज्यादा खतरनाक रूप मिलने वाला है। यह है वो रोड जिसकी मैं बात कर रहा था। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस में आप इन रोड्स को देख चुके होंगे क्योंकि ये वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स में गिने जाते हैं। इस तरह के तंग और खतरनाक रोड पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान केवल गाड़ी की ओर ही केंद्रित होना चाहिए। नए ड्राइवर्स को ऐसे रोड पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आए और पास देने के लिए अगर पीछे जाना पड़े तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये आप सामने देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का बॉर्डर और ये आखिरी गाँव लुज है। हम इस वक्त हैं किलाड़ किश्तवाड़ रोड पर और 7 और 8 किलोमीटर के बाद हम एक इंटरसेक्शन पे अपरकट लेंगे और सुराल भटोरी की ओर मुड़ेंगे। इस पॉइंट से सुराल भटोरी पहुंचने में हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। और ये पहली झलक आप देख सकते हैं सुराल भटोरी की। सुराल भटोरी सुराल वैली का आखिरी गांव है। ये गांव 3000 मीटर की हाइट पे है। हमें जो बताया गया उसके हिसाब से इस गांव में सिर्फ 200 से 250 के बीच में लोग रहते हैं। इस गांव में सभी बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं और ये भोटिया कहलाते हैं टिबेटन ओरिजिन की। इस गांव में एक बहुत ही मशहूर मोनेस्ट्री है और ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये उसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को जाता है।
चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सुराल गांव के अंदर। इस गांव को भोजपत्र का गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भोजपत्र के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ के लोग भोजपत्र को बहुत ही सीक्रेट मानते हैं। पहाड़ों के लोग मेहनती होते हैं लेकिन सुराल भटूरी के लोग कुछ ज़्यादा ही मेहनती थे, क्योंकि पांगी वैली में सर्दियां बहुत लंबी चलती हैं तो यहाँ के लोगों को इंतज़ाम बहुत लंबा करना पड़ता है और खेतों में काम करने का समय बहुत लिमिटेड होता है। चलते चलते हम आपको यहाँ के लोगों के घर भी दिखाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। गाँव के हर घर में पशु जैसे कि गाय और भेड़ बकरियाँ रहती हैं और यहाँ के घर के आर्किटेक्चर इस तरह से होता है कि इन पशुओं को ठंड से बचाया जा सके। सर्दियों में यहाँ पे पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं और घास उपलब्ध नहीं होता, इसी वजह से इन्हें स्टॉक जमा करना पड़ता है पशुओं के लिए। बहुत ही खूबसूरत गांव है और यहाँ के घर भी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि सर्दियों के लिए पशुओं के लिए घास का स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा है। अब समय हो चला है इस गांव को अलविदा कहने का। अब हम जाएंगे हुदान भटोरी जो कि लगभग 15 किलोमीटर है खिलाड़ से। हुदान भटोरी जाने के लिए हमने किलाड़ के PWD रेस्ट से सीधे आगे का रास्ता लिया और 3 घंटे के सफर के बाद अब हम पहुंच गए हैं हुदान भटोरी। टूरिस्टों के लिए रहने की व्यवस्था अभी इस गांव में नहीं है, यहाँ पे कोई होटल या लॉज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसे कि आप मेन ऑफिस किलाड़ से बुक करवा सकते हैं। हुदान भटोरी ट्रैकर्स के बीच में बहुत फेमस है। इस गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर लेक है जिसका नाम हुदान लेक है। आप जब भी आए तो हुदान लेक ट्रैक करके जरूर जाएं। हुदान भटोरी में दिन बिताने के बाद शाम को हम किलाड़ वापस आए और आज की रात हम वहीं पे रुके। कल से किलाड़ से मनाली के हमारे सफर को देखने के लिए दूसरा पार्ट जरूर देखें।